अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जिसे आप चाहते हैं कि वो पूरी ज़िंदगी सही से काम करता रहे, तो बहुत से लोगों का जवाब होगा कि उनका दिमाग। क्योंकि दिमाग एक ऐसी चीज़ है जिसे कंट्रोल करके अगर उसका सही यूज़ किया जाए तो आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे पा सकते हैं, चाहे वो एक सक्सेसफुल लाइफ हो, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो। एक बहुत अच्छे राइटर स्कॉट जी हेरॉल्ड ने एक किताब लिखी है, एक्टिवेट योर ब्रेन। उसमें वो बताते हैं कि दिमाग हमारे बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम जो भी काम करते हैं उसमें दिमाग का बहुत बड़ा पार्ट होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके काम करने के तरीके के बारे में जानें और इस जानकारी की मदद से अपने दिमाग का ख्याल रखें। अपने दिमाग को अपने हिसाब से काम कराने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इस बुक में ये बताया गया है कि हमारा दिमाग 3 हिस्सों में बटा हुआ है, रेप्टिलियन ब्रेन, मैमेलियन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन। रेप्टिलियन ब्रेन हमारे दिमाग का वो पार्ट है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे शरीर की ज़रूरत के हिसाब से काम करता है, जैसे कि भूख लगना। मैमेलियन ब्रेन ये दिमाग का वो पार्ट होता है जिसकी वजह से हम इमोशंस को समझ पाते हैं, जैसे गुस्सा, खुशी, दुख। ह्यूमन ब्रेन ये दिमाग का वो पार्ट होता है जो हमें दूसरे जानवरों से अलग करता है। दिमाग के इस हिस्से का काम होता है सूझबूझ से काम लेना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने आसपास की चीज़ों को समझना। मैमेलियन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन एक साथ काम करते हैं। मैमेलियन ब्रेन इमोशंस पैदा करता है लेकिन ह्यूमन ब्रेन समय और हालात को देखते हुए उसे कंट्रोल कर लेता है। जैसे किसी सीरियस सिचुएशन में अगर कोई जोक याद आ जाए तो ह्यूमन ब्रेन मैमेलियन ब्रेन के इमोशंस को कंट्रोल कर देता है। आगे की वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ जिसके थ्रू आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और उसका सही यूज कर सकते हैं। कंट्रोल योर केमिकल्स। हमारा दिमाग अलग अलग टाइम और सिचुएशन में अलग अलग केमिकल्स रिलीज करता है और ये केमिकल्स हमें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक हमें कंट्रोल भी कर लेते हैं। दिमाग में कुछ केमिकल्स हमें हैप्पीनेस और एन्जॉयमेंट फील कराने में मदद करते हैं। ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों पर भरोसा करने और अटैचमेंट में मदद करता है। डोपामिन हमें आराम दिलाता है, लेकिन इन केमिकल्स पर आप कंट्रोल भी पा सकते हैं। जैसे अगर आपका किसी काम में मन नहीं लगता तो आप उस काम के फायदे के बारे में सोचकर उस काम में अपना मन लगा सकते हैं। इच्छा शक्ति। 1970 में वॉल्टर मिशेल ने बच्चों पर मार्शमेलो स्टडी की। इस स्टडी में उन्होंने बच्चों से कहा कि अगर वे अपने टेबल पर रखी हुई मार्शमेलो को खाने से खुद को आधे घंटे से रोक लें तो उन्हें 2 मार्शमेलो दी जाएगी। जिन बच्चों ने टेबल पर रखी हुई मार्शमेलो को खुद से खाने से रोके रखा वो आगे चलकर बहुत सफल हुए। इस छोटी सी स्टडी से ये बात साफ हो जाती है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप एक न एक दिन सफल जरूर होंगे। सफलता पाने के लिए आपको अपने मन पर काबू करना होगा और उसे सही जगह लगाना होगा और अपने दिमाग को एक जगह पर फोकस करना सीखना होगा। क्रिएट अ ग्रुप। आपने ये तो सुना ही होगा कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, ठीक वैसे ही अगर आप लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और सफलता मिलने से आपको ज़्यादा खुशी भी मिलेगी। और ग्रुप में काम करने से एक दूसरे का सपोर्ट भी मिलता है जिससे कि सफलता जल्दी हासिल की जा सकती है। ईट हेल्दी फूड। आपके दिमाग को हेल्दी रखने के लिए आपको हेल्दी फूड लेना चाहिए जिससे कि आपकी बॉडी और आपका ब्रेन दोनों अच्छे से काम कर सके। खाने के अलावा पानी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे दिमाग का 75% भाग पानी से बना होता है, इसलिए आप दिन में जितना हो सके उतना पानी पीजिए। एक्सरसाइज आपको फिजिकल और मेंटल दोनों टाइप की करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से हमारा ब्रेन एक ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नाम का एक केमिकल रिलीज करता है जिससे हमारे सेल्स रिपेयर होते हैं और जिससे दिमाग को बढ़ाने में मदद मिलती है। और मेंटल एक्सरसाइज के लिए आपको सुडोको, चेस जैसे गेम्स भी खेलने चाहिए। स्लीप। सोने से हमारा दिमाग कॉर्टिसोल हार्मोन बनाना बंद कर देता है जिससे हमें स्ट्रेस से रिलीज मिलता है और अच्छी नींद लेने से काफ़ी बीमारियों से छुटकारा मिलता है और याददाश्त भी काफ़ी मजबूत होती है।
तो ये थे वो पॉइंट्स जिनके थ्रू आप अपने दिमाग को कंट्रोल करके उनकी पावर्स का सही यूज कर सकते हो। अगर आपके माइंड में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आ रहा हो तो उसे आप नीचे कमेंट में हमें बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए।